माफिया ही माफिया आखिर किस तरह से निजात पाए इन माफियाओं से। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से, मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से त्यौहार आने वाले हैं, या कहें कि जिस तरह से राखी का त्यौहार आता है या ठाकरा का व्रत आता है, ठाकुर जी का व्रत आता है, तो पतंगे उड़ाने का हमारे जो देखा जाए तो एक रिवाज है। पतंगों के माध्यम से त्यौहारों की खुशी को दुगना किया जाता है। हर तरफ पतंगे ही पतंगे, आसमान पूरा रंगीन हुआ होता है। और वहीं दूसरी तरफ एक चिंता की बात यह है कि जब से गट्टू डोर ने एक माफिया के तौर पे एंट्री की है बाजारों में, कई लोगों की जाने गई हैं। सबसे पहले एक आर्डर बताना चाहेंगे, ये आर्डर देखिए, कोटली कॉलोनी वेलफेयर के प्रधान चंद्र दत्ता जी की तरफ से एक मेमोरेंडम सौंपा गया था डीसी जम्मू को कि हर त्योहारों के, हर साल जब भी राखी का त्यौहार आता, पतंगों का त्यौहार होता है, तो लोगों की, काफ़ी युवाओं की जाने जाती, काफ़ी लोगों को गला कटने से उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसका कारण यह है कि गट्टू डोर इस कदर ये खतरनाक होती है कि डोर इस कदर खतरनाक होती है कि अगर गला कटता है या किसी और जगह कटता है, काफ़ी गंभीर तरीके से वो बंदे उसकी हालत जो गंभीर हो जाती है। अभी जो हम थोड़ी देर पहले, आप दो दिन की अगर बात करें, गट्टू डोर के कारण ही एक महिला राकेश कुमार, उनकी पत्नी रजनी गंभीर रूप से घायल हुए, जो कि अरनिया के रठाना गाँव के रहने वाले थे, जो मोटर बाइक पर चल रहे थे। और उसी के चलते डीसी जम्मू ने भी, अब जब भी इन्होंने मेमोरेंडम दिया था चंदन दत्ता जी ने, तो उन्होंने एक आदेश निकाला कि टोटली गट्टू डोर पर बैन लगा दिया गया। उसके बावजूद गट्टू डोर कहीं ना कहीं आखिर आती कहाँ से, क्या कहेंगे इसका भी माफिया। और साथ ही साथ आरईटी टीचर को लेकर एक आदेश आया है कि जहाँ जहाँ पर पोस्टिंग है वहीं उन्हें अपनी ड्यूटीज़ को रिज्यूम करना पड़ेगा। एक अच्छा कदम, ये चंदन दत्ता जी का कहना है। चंदन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी आपका। चंदन जी, आप समाज के लिए बड़ा अच्छा, एक एज ए सोशल समाज सेवी के तौर पर बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुद्दा कोई भी हुआ, बड़ी ही बेबाकी से प्रशासन और सरकार तक वो मुद्दा रखते हैं और उस पर अमल भी किया जाता है। कुछ दिन पहले आपने एक मेमोरेंडम सौंपा था गट्टू डोर को लेकर, वहीं दूसरी दो दिन पहले की बात करें, एक महिला और उसके हस्बैंड बुरी तरह से घायल हो रहे अरनिया के रठाना से, अभी भी ये माफिया सक्रिय है, तो किस तरह से इन कदम उठाने चाहिए प्रशासनिक तौर पर कि कम से कम इन पर लगाम लगे। देखिए, मैं पहले रश्मि जी आपके माध्यम से मैं पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को बताना चाहूँगा कि पिछले साल हमने जम्मू डिवीज़न की बात करें, रीजन की, तो 6 बच्चे हमने खोए हैं। जो मतलब आपने देखा होगा कि हमारे सरवाल का ही एक छोटा सा बच्चा था, जिसकी कवरेज भी आपने की थी, एंड वो भगवान को प्यारा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि तब से ही मैंने ठान लिया था कि अगली बार हम ये कोशिश करेंगे, ये प्रयास करेंगे कि ये जो चाइनीज माफिया इतना हावी है, ये गट्टू डोर, क्योंकि ये खेलने को पतंगे हमने भी उड़ाई हैं। हमारे टाइम में भी हमें भी मतलब राखी पे और यू नो जन्माष्टमी पे हम पतंगे उड़ाते थे, बट उस टाइम जो डोर होती थी वो मतलब एक नॉर्मल डोर जैसे होती है, जो थ्रेड होता था। आजकल ये चाइनीज थ्रेड है, ना ये टूटता है, ना पतंगे कटती हैं। तो आई थिंक कि इसमें प्रशासन ने, तो मैं एवनी लवासा डीसी जम्मू जी का बहुत बहुत यू नो शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे यू नो माध्यम से जो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, सबमिशन दिया जो हमने, तो उनमें संज्ञान लेते हुए उन्होंने एक ऑर्डर सेक्शन 144 के तहत निकाला, जिसमें उन्होंने ये बैन कर दिया और पुलिस को भी डायरेक्शन दी कि जहाँ जहाँ भी ये बिके उसको सीज करो, टीम्स बनाएगी इसकी। तो पुलिस भी अपना काम कर रही है, मगर कहीं ना कहीं सिविलाइज सोसाइटी का भी ये जिम्मा बनता है, लोगों का भी जिम्मा बनता है। जैसे आप देखें कि अरनिया में कल ही वो एक महिला का बुरी तरह से जख्मी हो गई है, और मतलब वो मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में कोई हादसा ऐसा ना हो, और इसके लिए हमने ये प्रोएक्टिव स्टेप लिया। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि ये जो चाइनीज थ्रेड क्यों ये मार्केट में बिक रहा है, इसका रीजन ये है कि ये ना, जैसे आप नॉर्मल डोर की बात करें तो 400-500 रुपए का वो एक, वो जिसको चरखड़ी कहते हैं या मांझा, पिन्ना कहते हैं जिसे, तो वो अपना आता है जिसे उड़ाते हैं। ये जो चाइनीज डोर है, ये कहते हैं कि ये किलो के हिसाब से बिकती है, ये 100 रुपया किलो है, जिसमें आप लगा लो छोटा सा गट्टू होता है, तो एक किलो में वो गट्टू चढ़ते हैं कम से कम 25-30, तो वो 100 रुपए के किलो के 25-30 नंबर, मगर एक नंबर जो मार्केट में है वो 700-800 का बिकता है। तो आप देखिए इसमें कितना ज्यादा यू नो मनी प्रोसेस इन्वॉल्व है, पैसा है, तो इसी करके इसका मार्केट में जो है इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा है। बट अब जैसे कि यू नो डीएम का निर्देश है और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस भी सक्रिय है, तो आपके आपके माध्यम से आप
मैं जनता से ये अपील करूंगा कि इसको परचेज ना करें, ये कल उनका बच्चा था, कल को आपका बच्चा भी हो सकता है। एक चीज बहुत है कि जिस तरह से आप इनिशिएटिव ले रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस पर संज्ञान जताया, जो डीसी जम्मू अवनी लवासा एक बड़ी कहेंगे काबिल ऑफिसर है और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी निर्देश है, उसके बावजूद भी गट्टू का खरीदना, खरीदो फरोख्त होना, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आम जनता की भी इसमें जिम्मेदारी हो जाती है? पुलिस अपना काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, पर कई लोगों की इसकी ललक होती है कि हमें चाहिए ही गट्टू। क्योंकि हमने भी कई बार सुना, आप भी सुनते होंगे कि कई लोग कहते हैं बस अब जिस तरह से जन्माष्टमी आ रही है या राखी का त्यौहार आ रहा, गट्टू डोर मिलनी चाहिए हमें पतंगे उड़ाने के लिए। ये कहीं ना कहीं इस होड़ में ना जाने वो अपने आप को तो खतरे में डालते हैं, दूसरी जनता को भी, आम जनता को भी खतरे में डालते हैं। तो जनता के लिए किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे ताकि आने वाले समय में खुद के साथ साथ दूसरों को खतरे में ना डाले? देखिए, एक ही मैसेज है कि जो जो भी ये इंटरव्यू या ये आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज जनता तक जा रही है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपने बच्चों को इस गट्टू डोर परचेज उनको समझाएं कि बेटा आप इससे एक फन लोगे, आप पतंग उड़ाओगे, पतंगबाजी करोगे, आपको मजा आएगा, ठीक है, मगर आपके उस मजे से किसी की जान चली जाए, ये फोटोज दिखाओ, एग्जांपल देके उनको समझाओ, क्योंकि बच्चे अब नहीं समझते, नादान होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती, उनको समझाया जा सकता है, उनको समझाओ और कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कराओ अपनी फैमिली में कि मतलब ये नहीं खरीदनी जिससे किसी की जान चली जाए। आप एग्जाम्पल पिछले साल हुआ है, इस साल अभी आनी है, तो अभी तो अभी दो दिन पहले ही हादसा हो गया, अभी तो 15 दिन पड़े हुए हैं, तो 15 दिन में हम कितनी जाने बचा सकते हैं? जो खरीदने वाले वही भी कहीं ना कहीं गुनाहगार हैं, और जो खरीदते हैं और जो बेचते हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासन तो काम कर रहा है, पर आम जनता से भी निवेदन करेंगे, आपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथ है, अपने मजे के लिए दूसरों की जान को खतरे में ना डालिए। अगर आपके आसपास भी कहीं गट्टू डोर बिकती है, आप तुरंत स्थानीय पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, उन तक जानकारी दे सकते हैं। चलिए चंदन जी, ये तो बात हुई, अब बात करें आरईटी टीचर को लेकर, प्रशासन की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ा फैसला आया, आप उस फैसले को किस तरह से लेते हैं ये जानने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार प्रयास कर रही है भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए, और साथ ही साथ जो बाबूशाही चल रही है सरकारी इदारों में उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम कसे, आप किस तरह से लेते हैं इस चीज को? देखिए, पहले मैं आरआरआई टीचर्स का आपको जवाब दे दूं, फिर उसके बाद मैं बाबूशाही के ऊपर भी आऊंगा। ये जो एक इन्होंने ऑर्डर निकाला है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आरईटी की जो रिक्रूटमेंट होती है, जो ये पॉलिसी या ये स्कीम उस टाइम बनाई गई थी, ये एक रूरल एरियाज़ के जो बच्चे थे जहाँ पे एक पढ़ा लिखा टीचर अवेलेबल नहीं होता था, उनको पढ़ाने के लिए, उन स्कूलों को चलाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे शहरों में आ जाते हैं, नौकरियाँ शहर में कर रहे थे तो गाँव के स्कूल खाली होते थे, तो एक गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि गवर्नमेंट की अगर नौकरी निकालेंगे और उसके बाद 5 साल अगर वो रुके तो उसके बाद पक्की भी हो जाएगी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, तो वो लोग अपना 5 साल तो देंगे ताकि उस 5 साल में वहाँ के शिक्षा के दायरे को बढ़ावा मिल सके। तो उसके तहत अब थोड़ा सा इसमें फ्लॉ है, वो फ्लॉ क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने जो ये जो ऑर्डर निकाला है, अब हुआ क्या कि टाइम बाय टाइम डिफरेंट गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से पॉलिसी को दजियाँ उड़ाते हुए लोगों ने क्या किया है, जैसे कोई दूर दुरार कहीं रूरल एरिया में उसकी नौकरी लगी है, उसी ज़िले का रहने वाला है और उसी ब्लॉक का रहने वाला है, उसी ब्लॉक के स्कूल में नौकरी लगी है, तो उसने 5 साल के बाद क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट या फिर आप कह लें कि किसी इंटरवेंशन से इन्फ्लुएंस लगा के वो शहर में आ गया है और गांव के स्कूल में टीचर नहीं है जो बच्चों को पढ़ा सके। तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा ही चिंता का विषय था, उन्होंने ये जो मैं इसको एक प्रोडक्टिव रिफॉर्म कहूँगा एक एजुकेशन के दायरे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मगर इसमें हमें एक चीज़ का प्रावधान रखना पड़ेगा जो कि शायद कमिश्नर सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने भी ये बोला है कि हम 1 महीने के अंदर इसकी कंक्रीट पॉलिसी बना रहे हैं, वो उसका संज्ञान जरूर लेंगे, मगर मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता दूं कि इसमें जो हमारी बहनें हैं या जिन जो बहनें हैं जिनकी शादी होगी, जिन्होंने स्कूल में रहा फिर उनकी शादी कहीं शहर में होगी या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होगी है, ठीक है, उनके लिए जरूर प्रावधान रखें कि मतलब अब जिन्होंने जिस ब्लॉक में दिया फिर उनको भी उसी ब्लॉक में जहां उनकी शादी होगी है उसके मतलब ट्रांसफर के लिहाज से उनके लिए सोचा जाना चाहिए। बाकी जितने भी लोग हैं जो मैं जिनकी मैं बात करूंगा, आई थिंक कि वो जहां पॉलिसी यही कहती है, मैंने डिटेल में पढ़ा है जो पॉलिसी की, जब आपने अप्लाई किया था एट द टाइम ऑफ जॉब तो वो यही कहता है कि जॉब की नोटिफिकेशन ये कहती है कि आपको इसी इलाके में सर्व करना पड़ेगा।
चंदन जी, एक सवाल और भी रहेगा, रहबरे तालीम के तहत, आरईटी टीचर के तहत जो जो हमारी युवा युवतियां लगे हैं जिनके अभी 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनके लिए किस तरह से, क्योंकि वो भी पिछले दिनों भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा, या यूं कहें कि वो अगर दूर दराज के इलाकों में उनको लगाया जाता तो वो इतनी उनकी सैलरी नहीं होती जितना उनको वहाँ पे एक्सपेंसेस पड़ जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो बच्चे भी सर्व कर रहे हैं, हमारे जो नेशन बिल्डर जिसको कहते हैं वो काम कर रहे हैं, पर उनके लिए भी तो कोई ना कोई सोचना पड़ेगा। देखिए, जो गवर्नमेंट, मैं बिल्कुल आपने सही ये बात रखी है, मैं उनके लिए भी गवर्नमेंट से, एलजी प्रशासन से अपील करता हूं कि उनको भी जो प्रॉपर एक टाइम फ्रेम है, जैसे 5 साल का निर्धारित समय है कॉन्ट्रेक्चुअलशिप का, वो जैसे ही ख़त्म होता है तो उनको भी परमानेंट की तरफ लाया जाए, मगर सर्व तो उनको उसी एरिया में करना पड़ेगा ना। बाकी जो हमारी बहनें हैं जिनकी नौकरी लगी है, वो शादी के कारण दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आ गई हैं, तो उनकी ट्रांसफ़र तो बनती है, तो वो तो मतलब एक यू नो एक वाकई ये प्रोग्रेसिव रिफॉर्म होगा, तो उसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब को पता है, वो एक अच्छी डिजाइन वाली पॉलिसी बना रहे हैं, एक महीने के अंदर निकालेंगे वो। जी धन्यवाद। एक और सवाल जाते जाते आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे चंदन जी, जिस तरह से फायर एंड एमरजेंसी का एक बड़ा घोटाला, जेके पीएसआई का घोटाला सामने आया और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसका संज्ञान लेते हुए सीबीआई इंक्वायरी की जांच की आदेश भी दे दिए है, उसी के चलते पिछले लगातार 8 साल से फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के जो हमारे युवा थे वो कह रहे थे कि घोटाला हुआ है, और उसके बाद अब तथ्यों के साथ सामने आ रहे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता, उन्होंने सामने लाया, एडवोकेट अभिनव शर्मा जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस चीज़ को भी सामने लाया पूरे तथ्यों के साथ कि जेके पीएसआई से भी बड़ा घोटाला हुआ है फायर एंड एमरजेंसी में। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने आदेश दिया, युवाओं का विश्वास जीता, और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे 972 बच्चे जो कह रहे हैं आप इंक्वायरी कीजिए, आप फिल्टर आउट कीजिए 972 बच्चों में से, अगर वाकई कोई ब्लैक शीज हम में से भी, उन्हें भी बाहर निकाला जाए, और जिनके माध्यम से हो उन्हें भी बाहर निकाला, पर लिस्ट को स्क्रैप ना कीजिए, आप फिल्टर आउट कीजिए। वहीं दूसरी तरफ फायर इमरजेंसी का पूरा तथ्यों के साथ सामने आया है कि किस तरह से घोटाला हुआ है, इन दोनों चीज़ों को किस तरह से आप लेते हैं? देखिए, ये वाकई ही चिंता का विषय है कि जहाँ एक एक ये जो बोर्ड्स बनाए हैं, चाहे वो JKSSB हो, JKPSC हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एक निष्पक्ष रूप से कम्पिटिटिव दायरे के माध्यम से बच्चों को नौकरियां प्रोवाइड करनी, उनके टेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराने, वो एक बिल्कुल ही ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। उसमें इतना बड़ा जो JKPSI का आया, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का आया, फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का, तो ये कहीं ना हमारे ये जो स्तंभ हैं, ये जो पिलर्स के, ये बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, इनको आई थिंक रीबिल्ट करना पड़ेगा, इनकी फाउंडेशन दोबारा खोद के इन पिलरों को खड़ा करने की ज़रूरत है। और वो ब्लैक शीप्स, चाहे वो मतलब एक कमिश्नर सेक्रेटरी के रैंक पे हो या जिस मर्जी रैंक, चाहे वो नेता हो ब्यूरोक्रेट हो, वो जनता के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट अगर आपने JKPSI की स्क्रैप की है तो वो मैं कतई नहीं मानूंगा कि उसको स्क्रैप करके आप उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे और अपने क्राइम को छुपा लेंगे। आपने जिसकी वजह से ये लिस्ट स्क्रैप हुई है, वो बंदे जनता के सामने लाना भी जरूरी है। वो कौन लोग हैं, वो अभी तक क्यों नहीं सामने आए, जिनका नाम भी आया और अब बिल्कुल शांत हो चुकी है, वो बात ठप की ठप हो चुकी है, तो जनता को मूर्ख ना समझें। और कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिटिव जो दायरे हैं, आपको मतलब क्या जरूरत पड़ी थी एक जो L1 एक टेंडर लिया था जिसने एक एग्जाम कंडक्ट करवाने का एक एजेंसी ने, उसका टेंडर कैंसिल करके आप एक दूसरी सेकंड जो L2 आता है, जो ऑलरेडी डिफॉल्टर है, जो ऑलरेडी डिफॉल्टर है पूरे हिंदुस्तान में डिफॉल्ट, मतलब वो डिफॉल्टर है, उसको आप एक एग्जाम कंडक्ट कराने की परमिशन दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सारा क्वेश्चन। और ये जब सब हुआ तो क्या उस टाइम नहीं पता था इनको कि ये जो एजेंसी है ये तो पूरे मतलब डिफॉल्टर है? तो कहीं ना कहीं ये खुद कटघरे में खड़ा होते हैं, तो हमारी आंखों में धूल झोंकने की, पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, जनता के सामने वो चेहरे बेनकाब कीजिए, तभी हम मानेंगे कि एक एलजी प्रशासन के अंतर्गत एक निष्पक्ष जांच भी हुई है और एक ऑनेस्ट सरकार भी चल रही है। धन्यवाद चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक शुभम कुमार जी कह रहे हैं जस्टिस फॉर लेफ्ट NYC's 571 यूथ एंगेजमेंट इशू सॉल्व करो। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही कहेंगे, जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से इशू आते हैं आप जरूर इनका संज्ञान लीजिए, और कहीं ना कहीं जनता का विश्वास आप पर टिका हुआ है कि आप एक बड़े ही, आपकी कार्य प्रणाली पर कोई ये कहेंगे दोहराए नहीं कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी के ऊपर, भ्रष्टाचारों के ऊपर लगातार खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं,
भ्रष्टाचारियों पर लगाम भी कसी जा रही है, और वही दूसरी तरफ जिस तरह से आप आदेश दे रहे हैं आने वाले समय शायद आम जनता के लिए हित में हो, आम युवाओं के लिए हित में, पर सवाल ये अभी जो इश्यू सामने आ रहे हैं उन पर भी ध्यान देना बड़ा जरूरी है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे 972 बच्चे लगातार आपसे मांग कर रहे हैं कि आप जांच करवाइए, अगर जांच में उन्हीं बच्चों में से कोई ब्लैक शिप है उन्हें भी आउट कीजिए, और जिनके द्वारा ये सारा घोटाला हुआ उन्हें एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है। इसी तरह से फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स के बच्चे लगातार पिछले 9 साल से गुहार लगा रहे हैं, और अब तो तथ्य भी सामने आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस तरह से प्रशासनिक तौर पर जो भी जिस तरह से यानी कि लगाम कस रहे हैं आने वाले समय में आप इस पर भी एक जांच का आदेश देंगे, और साथ ही साथ अपनी जनता से निवेदन करते हैं अगर आप चाहते हैं आप खुद सुरक्षित रहें, हमारा समाज सुरक्षित रहे, तो गट्टू डोर अगर कहीं भी आपको मिलती है या कोई आपको पता चलता है कि वो बेच रहा है आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, अगर नहीं कर सकते आप हम तक वो बात बताइए, हम उन लोगों को एक्सपोज करेंगे या कानून के शिकंजे में लाएंगे, क्योंकि जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ या युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं है। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।